दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस में चल रहे सियासी संकट के बीच बीजेपी की ओर से एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। और क्या अब सचिन पायलट बीजेपी के सिंधिया बन सकते हैं? आपको इस खबर में पूरी जानकारी दी जाएगी। बीजेपी ने आखिर कौन सा बयान दिया है? क्या पायलट अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? बहुत कुछ इस खबर से निकल कर आ रहा है। दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को कांग्रेस के बीच चल रही गुटबाजी की चिंगारी को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही अदावत को लेकर उन्होंने कहा कि पायलट को अपमान सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कह रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की नजर में सचिन पायलट गद्दार और नकारा है। तो ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए और कोई ना कोई निर्णय खुद के लिए और पूर्वी राजस्थान के हित में लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट खुद निर्णय करें कि वे किस पार्टी को अपनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे, लेकिन यदि स्वाभिमानी है तो जवाब जरूर देना चाहिए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।